संगता झुकी दरबार मेरे राणा जी, तेरा प्यारा सजा दरबार मेरे राणा जे, संगता झुकी दरबार मेरे राणा जे, मेरे राणा जी, मरा ता बंडी दरे वारे मेरे राणा जी। किसर उतै लाया तेरा माहुड़ा राणा जी, किसर उतै लाया तेरा माहुड़ा राणा जी, किसर उतै लै दी तेरी जात मेरे राणा जे, संगता झुकी दरे वारे मेरे राणा जी, मराता बंडी दरे वारे मेरे राणा जी। आ पाछलने या गोरा खा नाथ सेवे जी दुनिया मा, पाछलने गुरु गोरा खा नाथ सेवे जी दुनिया मा, सारी दुनिया ने सेव्या जार पीर मेरे राणा जे, झुकी दरे वारे मेरे राणा जी, मरा ता बंडी दरे वारे मेरे पीरा जी। आ चौथे बाकी गरे नो मान काया जा राने सोफा कलंगी नो मान का मेरे दाता, थाना वाली वा चढ़गी श्यामो वहाल महापीरी वाले, अज रह पे चौधरी कालिया नाम मेरे राणा जे, झुकी दरे पारे मेरे राणा जी, मरा ता बंडी दरे पारे मेरे राणा जी, संगता झुकी दरे पारे मेरे राणा जी। आओ सेवा दारा की सेवा करी मेरे रानी, आ भगत समैया की झोला आरती पीरी वाले, आज करो भागण मा मन जोर मेरे राणा जे, संगता झुकी दरे पारे मेरे राणा जी, मरादा बंडी दरे पारे मेरे राणा जी, संगता झुकी दरे पारे मेरे पीरा जी। राणा पीर याद मदद हो तुही, सभा में लाज रखिए, बोलो सच्चे दरबार की जय। सुपर टाउन कंपनी पेश करती है बाबा जी के जन्म का भाग, जिसको गाने वाले गायक जोड़ी अवतार सिंह बलकार सिंह उगाड़े वाले, और ढोलक पर साथ दिया है सोनू कुमार ताजलपुर वाले, और हमारे गुरु जी बलदेव राज व छेर सिंह मोलगढ़ वाले इस कैसड़ में सहयोगी हैं, जीत राम बाबा जी खेड़े वाले, नानक प्रगति से ईश्वरदास भगत जी और जिंदी भाई साहब जी, सलीम खान जी सत्ता तमाले से, और हमारे गाजीपुर से पम्मी खान ड्राइवर साहब, ओम प्रकाश बाबा जी मौड़ी वाले, बेड़े बिचपड़ी से गुरमेल भगत जी, और हमारे बुन्नी गद्दी से फौजी बड़े भाई साहब, ये भी कैसल में सहयोग दे रहे। बोल साचे दरबार की। कथा पीर बाबा जी की शुरू हो जाती है। माई वाचन बाबा गुरु गोरखनाथ ने दरगाह ते ल्याण का गूगल की बट्टी पल्ले के अंदर पाई, वरदान दिया था बेटी गूगल ते तेरा गुगा जहर पीर पैदा होगा, जिसके चार खूंट माता उसे नगारे बजांगे। बेटी ऐसा सख्ता पीर पैदा होगा जिसके दुनिया के अंदर जय जयकारे होंगे। अब बाछल माई गूगल बट्टी
लेली माई ने पल्ले के अंदर पहली बाबा गोरखनाथ ने कहा, बेटी एक बात का ध्यान रखिए, बच्चा के रीति के मुताबिक पीर जन्म नहीं लेने का, जन्म के अंदर पूरे 12 महीने लेगा, भादवे की रात अष्टमी दिन एतवार रात्रि के 12 बजेंगे, मिनट अगा ना मिनट पीछा होगा, जाओ इसी गुर ते उगा जहर पीर पैदा हो जाएगा। गुगल बट्टी इस्तेमाल कर ली, अगले महल में 6 महीने है गुगल इस्तेमाल करी नू, पर बाछल माई की कोख उर्द ना फुली, गली दर गली महला दर महला चुगली विचार निंदा माई बाछल की होने लगी। इस बात की खबर किसनू, जो बाछल माई की ननद समृद्धि उसनू होगी। समृद्धि ने सोचा बाछल ने बड़ा जुल्म कर दिया और राजपुति शान को मिट्टी के अंदर मिला दिया, एक गुस्से के अंदर भरका समृद्धि, एक अपने भाई जेवर के पास, एक बाछल के बारे में सुनकर लोगों के वास्ते भी कैसे कैसे चलका, एक राणा जेवर के पास आवा रहा आए कैसे जगी मेरे दाता पागल के राजा दुनिया मां ओए गया तेरा जय जय हाइकार आवा चाला का समृद्धि रा राजा मेरा आवा रे आवा कचहरी मारे आवा समृद्धि बतावा है बात हाँ जे दूर ते वाला यंती बहन नु राजा जेवरा देख रहा ले देख रहा कुर्सी पाते उठ गया ले राजा देख का समीर देनु जी आ जाए बहना पास जी 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 आए वा तेरी तेरी रानी ने राजा जुलामा वो करया मेरे रे भाई हो नर्थ भी गुजारिया बाछल ने हाँ जी 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 आ रानी बाछल ने तेरे रे राजपुती शान का लाया है दाग हाँ जी 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 आए वा सारे सारे और नगर मानिंद्या बाछल की वा रे होरी चुगलियां भी कराती रे सखियां हाँ जी 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 आ तेरी बाछल नु इरारा कहां ते वा सादा की वा नार जी आए वा रानी बाछलवा महल के काबलाना रही मेरे वीर ने लेकना रही थी महला के तेरी रानी बाछल जी रानी बाछल नो खंडा मार का दिए रहे वीर मेरे हाय मार जी भाई जी। लदानी भाइयो जिस टाइम आन का समृद्धि ने अपने भाई जेवर नु कहा रे मेरे भाई जेवर रानी तेरी ने जुल्म कर दिया, जुल्म की कर दी बात, तेरा खजाना बराबाद कर दिया, जोगी झोलका जमाए और जोगियों की नार बनकर रहा, अद्धी अद्धी रात तेरी रानी बाछल जोगी के डेरे में जहा वह रानी मारे महल के काबल नहीं रही, ऐसा कम कर खंडा ठार रानी नू जान ते खत्म कर दे। जिस टाइम राजा जेवर लेकर खंडा गया भाइयों गुस्से के अंदर भरका, राजा अपने महल के अंदर रह गया, आया महल में
हाथ राजा जेवर ने खंडे नु पाया, अपने खंडे नु क्या कह लिया भी खंडे जिदन का बाजार ते मोल लिया, कदी जंग मैं कदी दलमा नहीं ले गया, आज तेनू बर्त का देखूंगा पहली बार, अपनी रानी का तेनू खून पिला दूंगा। पीर महाराज की जोत बाछल माई के कुखमा छह महीने की, राणा जी ने पर्चा ले दिया, खंडे के ऊपर बानवीरा का पहरा ले दिया, राजा ने चटके मारे पर खंडे ने भाई अपना म्यान ना छोड़ दिया। भाइयो राजा जेवर ने गुस्से में परखा, खंडा फर्श की गैल मारिया, लंबी सी बाजू करका कोरड़ा तार का बाछल माई के बदनमा दड़ा दैर और सड़ा सैर कोरड़े मारे। बाछल माई रोन लगी है, पति जी मेरा कसूर बता दे, एक क्या तू राजे का कहना हुआ क्या रानी, बाछल कहा रहा भाई भाई आ छोड़ दे राजधानी रानी, छोड़ दे राजधानी रानी, दिख कह रहा सू मैं साफ तने, हाथ जोड़े का करूं बेनती, कर दे पति जी माफ मने, कर दे पति जी माफ मने, दे रज धनी रानी, दे रज धनी रानी, कह रहा सू मैं साफ तने, हाथ जोड़े का करूं बेनती, कर दे पति जी माफ मने, कर दे पति जी माफ मने। क्या करी भला रानी, अज सदन तो राजा ब्याह का वालिया, अज सदन तो राजा ब्याह का वालिया, उस सदन ती रानी तेरी, ओ बहन अपनी की बात मान का, जात ना पूछा मेरी ओ राजा, जात ना पूछा मेरी, ए भगवान तेरी माया के पैदा करते तेरी माया, पर करया ना कोई इंसाफ तने, हाथ जोड़े का के कर दे पति जी माफ मने, माफ मने, छोड़ दे रज कानी रानी, छोड़ दे रज कानी रानी, कह रहा तू मैं साफ पति जी माफ मने, कर दे पति जी माफ मने। ओ आ सारा जा क्या करे भला, सारा माल खजाना ए रानी, सारा माल खजाना ए रानी, सादा नू भी दिया तने, 12 साल तक सेवा ये कर का ना फल जोगी ते लिया तने, ना फल जोगी ते लिया तने, हो ताने सुन दुनी यहाँ के ये मेरा, ताने सुन दुनी यहाँ के ये रानी, आज डोले खावा का टुकड़ा तक मेरे अंदर चला ना रानी, रात ये रानी फिक्र राधने राने, सुन दुने यहाँ के ये मेरा, ले खावा गात टुकड़ा तक मेरे अंदर चलाना, फिक्र रहा रात ये रानी फिक्र रहा दिन रात, हर राजपूत हम मरा शर्म महाराज, हम मरा शर्म मार, जरा ना आया कौफतन, जोड़े का करूं बेनती, कर दे पति जी माफ मने, कर
दे पति जी माफ मने आ छोड़ दे राजा बन्नी रानी छोड़ दे रज बन्नी रानी कह रहा तू मैं साफत ने बेटे करूं बेनती कर दे पति जी माफ मने कर दे पति जी माफ मने हो जिस टाइम रानी दोनों हाथ जोड़ का कहने लगी पति जी मेरे को क्यों मारा क्यों मेरे को तरसा मेरी गलती बता दे क्या राजा देवर ने गलती ना बताई रानी को देसिया दुहाग वनवास कड़िया दे दिया जाओ रानी मेरा महल छोड़कर चली जा तो मेरे महल के काबिल नहीं रही। दानी भाइयों बाछल माई पर टाइम पड़ गया बाछल माई ने अपनी बांदी को बुलाया जाओ बेटी बांदी जाओ करमे बाड़ी के पास बाड़ी पाते मैं गड्ढा लियान का दे दे बैठ कर जाऊंगी बाबल के बाद आप बांदी चलकर करमे बाड़ी के पास हैगी जा का बाछल के बारे में बांदी ने करमे नु कहा के माई पर टाइम पड़ गया भाई करमे गड्ढा मंगाया करमा बाड़ी बोलिया बहना गड्ढे तो मेले में दसौर जा रे जे माई के महल में लकड़ पूरा है तो गड्ढा तैयार कर देंगे ले का उजियार ले का हथियार ले का 360 चेले की जमात वह करमा बाड़ी आ गया था बाछल माई के द्वार बाछल माई ने कहा रे बेटा करमे देखे मेरा किसी चीज में कोई हिंसा नहीं है एक बाग मा यानी पेटा खड़ा चंदन का उसमें गड्ढा तैयार करवा दे अब दानी भाइयो बाता किसे बहुत बाछल धर्मन का गड्ढा तैयार हो गया श्यामे पाली के पास से दो बैलों की जोड़ी मंगाई छे छे महीने के लवारू बच्चे जद बाछल माई ने बैल देखे धर्मन माई बाछल लोका कूक मारी हे भगवान सच्चे तन्ने तो टाइम मेरे पा पाया और मन्ने टाइम ही छोटे छोटे बैलों के पर पाया माई बाछल ने किया क्या भगवान सच्चे दुनिया के वाली पैदा खुदा करनहार माई बाछल गुस्सा आया अपने गुरु गोरखनाथ नु मंदा बोलिया जाओ बाबा गोरखनाथ मैं तो कहूं तेरा भला ना हो जमाने में ना दियो तेरा नाम भाई यहां ते फिर पीर की जोत जागी पीर ने आवाज मारी है माता मेरे गुरु ने मंदा ना बोलिए तेरे को तेरी नगरी को सत्य पताल के अंदर तार दूंगा छपेरा देख रही भगवान सच्चे माता कहने वाला कौन बोलिया फिर पीर बोल गया माता मैं तेरा लाल बोल रहा उर्द के अंदरवार ऐसा काम कर चौरी का तागा तोड़ बैला के सज्जे पैर नू बंद और लेका बाबा जी गुरु गोरखनाथ का नौ जरा बैला के प्रणु हाथ फेर का देख पीरी का रुतवा फिर पीर ने वहां पर्चा लाया माई बाछल के बड़े बड़े बैल कर दिए गड्ढे के अंदर जोड़ दिए गड्ढा चलाने वास्ता हरिजना का लड़का पल्लू जो जन्म ते अंधा वा बुलाया पल्लू गढ़वाला हाथ जोड़ का बोलिया माता जी मैं तो जन्म ते अंधा तेरा गड्ढा कहां नु छेड़ू बेटे इशारे के जरिए मेरा गड्ढा छेड़ दानी दात्यो पल्लू गढ़वाला जिस टाइम गड्ढा चलाने के वास्ता गड्ढे में कदम टकाया और जागदी जोत ने पर्चा लाया दो नेत्र खोल दिए पल्लू को संसार दिखाया पल्लू ने जयकारा पीर का लाया बोल सच्चे दरबार की अब गड्ढा माई का चल दिया बाछल माई कहने लगी बेटा आज मेरा दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं नगरमा सिर्फ एक खेड़ा बादशाह भी शायद मेरी नगरमा इज्जत रख दे मेरा गड्ढा लेका खेड़े के चिट्टे पौन पा चल एक बाछल माई 17 कदम ते नीचा उतर का एक चरना में झुका सीस नवावा आ खेड़े पर गड्ढा कैसे बाछल माई का आवारा भाई कैसे सोमा से भाई आप बज गया नगारा वाराणे जी नौ बता बजगी बज गया नगारा मालकवा नौ बता बजगी ओ दुनिया माय हो गया जय जय रानी जी
गड्डा बा छलका एड़े पाया आया आया जद भारा गड्डा बा छलका एड़े पाया काल का जुत्ती वा चरनामा हैगी करी पर नामा दादा नो एक पर नाम यो दादा ओ खेड़ा दादा हो गया प्रगटवाया आजा मेरे वीरन ओ खेड़ा राजा प्रगट हो गया आप नगरी का राजा जी आ कौन गटे आली मेरे पा चलका तो हैगी हैगी सच्ची वा बता दे अपना तो आज अपना नाम बता दे जी वे पाछल धर्मन भाइयो रोए कर बोली बोली आ सुन खेड़े दादा मेरी वाह करिए पछाणी ओ दादा मैं तो पाछल आएगी तेरे ओ पास खेड़े राजा ओ सेवा के तेरी करी 12 साल ओ खेड़े राजा जी राजा जेवर ने दादा मनोवा मोड़े बसा नगरी मा जे खेड़े दादा मनोवा मोड़ का बसे दे बसे दे ओ कदी भी ना भूलूंगी तेरा साना राजा ओ कदी भी ना भूलूं तेरा सान नगरी के राजा जी आ तेरे तेरे नाम के दादा हमने जे मैं दूंगी मैं तेरे तेरे नाम पर दादा हमने जे मैं ले मेहरबानो अब खेड़े के चरना बाछल माई ने रोना रोया दादा मैं बाछल आई राजा ने कड़िया दे दिया बनो बास आज उजड़ का अपने बावल के बार जारी दादा भी मनु नगरी मां मोड़ का बसा दे खेड़ा दादा बोलिया बेटी मैं तो तेन मोड़ का नहीं बसा सकता पर तेरी कुख में ऐसा पीर बस रहा भी तेन मोड़ का बागड़ का पीर लिया गज के चार फुट माता उनसे नगारे बजांगे बाछल माई कहन लगी दादा ओ दिन किदन आवागा जिस दिन बागड़ का राज करूंगी बेटी ओ दिन आने वाला पर तेरी किस्मत में लिखा भगवान ने तेन जाना पड़ागा बाछल धर्मन ले का खेड़े दादा जी की इजाजत गड्ढे के अंदर बैठ गई पल्लू ने गड्ढा दिया छेड़ जिस टाइम पल्लू ने गड्ढा छेड़िया ओए गड्ढा मारो मार करदा माई बाछल का चलिया आर काले जंगल में गड्ढा आया उच्चे ते नीचे नु आया राणा जी ने परचा लाया पीर ने सोचा अपने दुश्मन नु खबर कर दियूं कदी दुश्मन न्यू ना कह दे भी चोरी ते बागड़ का पीर चला गया दुश्मन कौन राजा बासंग नाग पिछले जन्म का जिस टाइम गड्ढे का पहिया ऊपर ते नीचे नु आया आर पीर ने तटमंडल में परचा लाया गड्ढे के पहिए की तमक सत्ते पताल में तार दी जहां राजा बासंग नाग सो रहा था बस चोट सिर में ऐसी मर जैसी बरछ की यानी ठोक देखना एकदम राजा बासंग नाग पंभरा का बैठा होया खबर हैगी भी आज मारा दुश्मन छाती में जरा चलिया जितने भी दुनिया के नाग थे सारे नाग बुला लिए नागा नु कहन लगा भी है कोई नाग बच्चा आज बाछल अपने बावल के बाहर जेरी है कोई नाग बच्चा जंदी बाछल का डंक लावा आर उर्दमा खात्मा इनी पीर का बनावा जेवर का बेटा दादे उमराव का पोता गुग्गा छतरी चौहाना पीर का नौ जिस टाइम पीर का नौ भी सुनिया बस सारे नाग कोई लात तले नु कोई बांह तले नु सारे दौड़ के कला बैठे बासु नाग रह गया दानी भाइयो त
तखी नाग नू याद करया वासंग नाग ने। जिस टाइम तखी नाग नू कहा भी आइए मेरे तखी भाणजे, ओ बेटा जे कच्ची औद मटा सका तो मटैले, जे पीर ने जन्म लिया नागा का बीज नाश कर देगा। अपने पिछले जन्म का बेरी जलमेदा छाती बनू जरा चलिया, बाकी तो नाग दौड़ गए सारे। इपरो सामनू तिरपा दानी भाई, देर नहीं करी। तखी नाग कहने लगा, मामा जी काम तो औखा, फिर कोई बात नहीं मोर्चा फतेह कर दे। जिस टाइम तखी की चढ़ाई करवाई, तखी नाग क्या करया के ढाई कुली का जहर मनु गढ़वे के अंदर दे पाका, आशीर्वाद होना चाहिए तेरा। जहां मैं नागा नु बुलाऊ नाग मेरे हाजर नाजर होने चाहिए। अवदानी भाईओ धरत मंडल ते वह तखी नाग बाहर गया, आत्मा गढ़वा जहर का ले रहा, नाग वाला रूप छोड़का 80-85 साल का बूढ़ा पंडित बन गया। बलका के बाल दाढ़ी गिर मरै लिए, कदी बाछल पहचान ना लिहे। परीक्षाधारी नाग की एक पहचान है, सारी काय बदलेगा पर मसरी के दाने वर्गी आंख नहीं बदल सकता। माई बाछल पा बई चलका आवा, बई देखो एक चक्रा मा जान माई बाछल की पंडित बने वा नाग जरा किस तरह पावा रहा भाई। पर ओए चक्रा ची जान पै गई वे माता सरसा पटन नू जावे, चक्रा ची जान पै